Hi guys, I hope you are doing great. Hello and welcome back to my channel. This is Shivam, one of the happiest women in front of you. And जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारा सीजन चल रहा है IPL 2023 का. So IPL 2023 का जब हमने पॉइंट्स टेबल देखा, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है नेट रन रेट को लेकर, राइट? तो हमने सोचा कि नेट रन रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ शेयर किया जाए. So in this video, I will show you how to calculate नेट रन रेट. So, हम लोग इस तरीके से जानेंगे कि क्वालिफिकेशन के लिए नीट रन रेट का क्या इंपॉर्टेंस है और नीट रन रेट को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो सबसे पहले नीट रन रेट को निकालने से पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का जो पॉइंट टेबल है उस पर नजर डालते हैं, राइट? सो ये जो हमारा पॉइंट टेबल का डाटा है ये 22 अप्रैल 2023 तक का, मतलब 22 अप्रैल 2023 तक का ये डाटा है. उसके आगे का जो भी मैच होगा उसके अनुसार फिर ये हमारा चेंज होते जाएगा नीट रन रेट, राइट? So, अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे तो हमारा राजस्थान रॉयल का जो टीम है, आरआर का जो टीम है, 6 मैच खेला है जिसमें से 4 जीता 2 हारा है और इसके पास 8 पॉइंट है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर मैच को जीतने से हमारे पास कितना पॉइंट मिलता है, 2 पॉइंट मिलता है. तो 4 मैच यहाँ पे जीता गया है तो 4 to 8 point, राइट? अब इसका नेट रन रेट किस तरीके से कैलकुलेट होगा उसको हम लोग देखेंगे. नो रिजल्ट यहाँ पे एनआर का मतलब है, नो रिजल्ट मतलब ऐसा कोई मैच नहीं हुआ है जो टाई हो गया हो या फिर बिना बॉल डाले हो मैच खत्म हो गया. फिर सेकंड नंबर पे हमारा एलएसजी, फिर सीएसके, फिर गुजरात टाइटंस की टीम है. फोर्थ नंबर पे आरसीबी की टीम है, फिर एमआई की है, फिर पंजाब किंग्स की टीम है, केकेआर, एसआरए. 13 नंबर पे हमारा डीसी, राइट? तो ये सारा चीज तो हमें समझ में आता है, बट हाउ कैन वी नो द टर्म नेट रन रेट. हम लोग नेट रन रेट के बारे में किस तरीके से जानेंगे कि नेट रन रेट आखिरकार कैलकुलेट किस तरीके से होता है, राइट? सो नेट रन रेट का कॉन्सेप्ट क्या है? नेट रन रेट का फॉर्मूला होता है नेट इन आरआर, मतलब नेट रन रेट, राइट? अभी हम लोग सीखेंगे कि नेट रन रेट को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए, ठीक है? तो नेट रन रेट का फॉर्मूला होता है टोटल रन स्कोर्ड बाय अ टीम अपॉन टोटल ओवर प्लेड बाय अ टीम. नेट रन रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले आप फाइंड आउट ये कीजिए, आप सपोज कीजिए किसी भी टीम का नेट रन रेट निकालना चाहते हैं, राइट? यू वांट टू कैलकुलेट द नेट रन रेट ऑफ अ पर्टिकुलर टीम. तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि सबसे पहले देखना होगा कि वो टीम कितना रन स्कोर किया है, राइट? अब चूंकि यहाँ पे हम लोग 6 मैच का देख रहे हैं तो ये जो डाटा हमारा 6 मैच से रिलेटेड होगा. अगर ये टीम 8 मैच खेल चुका होता और 10 मैच खेल चुका होता या फिर 11 मैच खेल चुका होता तो फिर जो हम लोग डाटा लेते हैं वो 11 मैच का लेते या फिर 10 मैच का लेते, राइट? सो अभी तक हमारे पास 6 मैच का डाटा है, इसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले नेट रन रेट क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले जो टीम का हम निकालना चाहते हैं वो टीम कितना स्कोर किया है, रन कितने ओवर में किया है, उससे उसको डिवाइड करेंगे माइनस उस टीम के अगेंस्ट, राइट? उस टीम के अगेंस्ट कितना रन स्कोर किया गया है अपोजिशन के द्वारा डिवाइडेड बाय टोटल ओवर प्लेड अगेंस्ट टीम, मतलब उस टीम के अगेंस्ट कितना ओवर खेला गया है वो, राइट? सो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा गिवन टर्म्स है, इसको पहले हम फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 2023 आईपीएल का जो हमारा टीम है सीएसके, वन ऑफ माई फेवरेट टीम, जिसका एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ठीक है? आप जो भी टीम आपका फेवरेट टीम है आप उस ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आप उसका नेट रन रेट को निकाल करके देखिए या फिर कौन सा टीम क्वालिफाई करेगा, कौन सा टीम क्वालिफाई किसके क्वालिफिकेशन के लिए, उसको कितना नेट रन रेट चाहिए, इस तरीके से जो आप सीख लेंगे तो फिर आप नेट रन रेट कैलकुलेट करना जान जाएंगे, राइट? सो आई एम ह्यूज फैन ऑफ सीएसके, दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग देयर नेट रन रेट. हम लोग यहाँ पे सीएसके का समझेंगे, राइट? तो सीएसके के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो सीएसके अभी तक 6 मैच खेल चुकी है जिसमें 4 जीती है और 2 हारी है, इसके पास 8 पॉइंट है और इसका नेट रन रेट +0.3555, राइट? तो हम लोग सीखेंगे कि नेट रन रेट आया कहां से. तो सबसे पहले हम यहां पे डाटा को लिख रखें कि सीएसके का टोटल 6 मैच का यहां पे ये है, ठीक है? सीएसके का फर्स्ट मैच था गुजरात के साथ, फिर सेकंड लखनऊ के साथ, फिर उसके बाद एमआई के साथ, फिर आरआर के साथ, फिर आरसीबी के साथ, फिर एसआरए के साथ, ठीक है? ये 6 मैच का डाटा मेरा यहां पे. अब यहाँ पे क्या हमें निकालना है, हमें सीएसके क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीएसके कितना रन स्कोर किया है और कितना ओवर में किया है, राइट? तो ओवर वाले कॉन्सेप्ट में एक कंफ्यूजन आता है क्या, कि कभी कभी ओवर पॉइंट में आ जाता है, हो सकता है कोई के मैच 19.2 ओवर में खत्म हो गया, तो पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले उसको और आसान हम लोग इस तरीके से बनाया है कि सबसे पहले हम इधर क्या किया, सीएसके कितना रन बनाया है उसको इस तरीके से इधर देख दिया, राइट? तो सीएसके का इधर इसका अपोजिशन, मतलब उसके अपोजिट में जो भी टीम उसके साथ खेला है उसका उसके रन के बारे में, राइट? तो सीएसके जो है इसका रन इधर आपको मिल जाएगा और इधर ओवर.
तो अगर फर्स्ट मैच में देखा जाए तो सीएसके गुजरात के साथ 178 का टारगेट था सीएसके के द्वारा और गुजरात उसको क्लियर कर गया था 19.2 ओवर में 182 रन। ठीक है, तो फर्स्ट मैच का यहां हमने लिख दिया कि सीएसके द्वारा कितना बनाया गया 178 और गुजरात के द्वारा इधर बनाया गया 182 कितना ओवर में 19.2 ओवर में और यहां पे जो है चेन्नई टोटल का टोटल 20 ओवर खेला था। राइट, तो 20 ओवर का खेल यहां पे चेन्नई के द्वारा खेला गया था तो 20 ओवर इक्वल्स टू कितना 120 बॉल उसको हम पहले बॉल पे कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, फिर सेकंड मैच जब हम देखेंगे तो लखनऊ के खिलाफ दोनों 20-20 ओवर टोटल 40 ओवर का गेम हुआ मतलब 20 ओवर सीएसके ने खेला 20 ओवर एलएसजी ने खेला। राइट, अब यहां पे जो है फर्स्ट मैच में 182 रन बना है 19.2 ओवर सीएसके के अगेंस्ट फेंका गया मतलब सीएसके के अगेंस्ट खेला गया। राइट, तो 19.2 ओवर इक्वल टू कितना 116 बॉल क्यों क्योंकि 19-6 क्या हो गया आपके पास 114 और दो बॉल और फेंका गया मतलब 116। उसी तरीके से सेकंड मैच में जो है 217 रन सीएसके द्वारा स्कोर किया गया है 20 ओवर में मतलब 120 बॉल खेला गया और सीएसके के अगेंस्ट जो टीम खेली है वो 205 रन स्कोर किया गया उसके द्वारा। ठीक है, 20 ओवर में तो 20 ओवर इक्वल टू 120 बॉल। फिर उसी तरीके से थर्ड मैच में सीएसके 159 रन 18.1 ओवर 159 रन 18.1 ओवर मतलब 109 बॉल क्योंकि 18-6 जा 108 बॉल तो वहां हो गया और एक बॉल और फेंका गया है तो 109 बॉल। उसी तरीके से एमआई द्वारा खेला गया है सीएसके के अगेंस्ट इधर कौन सा टीम है जो सीएसके के अगेंस्ट रन बनाया गया 157 20 ओवर इक्वल टू 120 बॉल। फिर उसके बाद सीएसके वर्सेस आरआर का मैच है तो सीएसके 172 20 ओवर उसके बाद जो है 175 आर के द्वारा बनाया गया ये भी 20 ओवर और 20 ओवर इक्वल टू कितना 120 बॉल। उसके बाद सीएसके का मैच आरसीबी से हुआ जिसमें सीएसके 226 स्कोर किया गया सीएसके के द्वारा फिर 20 ओवर में मतलब 120 बॉल और उसके जवाब में 218 रन स्कोर किया गया आरसीबी के द्वारा 20 ओवर में दैट इज इक्वल टू 120 बॉल। और लास्ट मैच जो था 6 नंबर मैच सीएसके वर्सेस एसआरएच का उसमें सीएसके के द्वारा स्कोर किया गया 138 18.4 ओवर में जब उसको बॉल में कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा 112 उसके बाद अपोजिशन मतलब एसआरएच के द्वारा यहां पे है 134 20 ओवर खेला गया मतलब 124 तो टोटल ओवर को बॉल में यहां पे हम कैलकुलेट कर लिए तो सीएसके जो रन सीएसके के द्वारा स्कोर किया गया है टोटल रन अभी तक 6 मैच में वो है 1090। राइट, कितना बॉल खेला गया तो 701 बॉल। अब चूंकि यहां पे फॉर्मूला में क्या है टोटल ओवर प्लेड बाय गेम टोटल रन तो निकल गया 1090 लेकिन यहां पे टोटल ओवर तो हमें पता है अगर 18 बॉल फेंका गया मतलब 3 ओवर फेंका गया तो हम लोग क्या करें 18 को 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं ना 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 3 ओवर कर जा रहा है मतलब जो भी बॉल है नंबर ऑफ बॉल्स उसको आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ ओवर मिलता है। तो 701 बॉल सीएसके के द्वारा खेला गया है इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 116.833 ये है हमारा टोटल ओवर प्लेड बाय सीएसके। राइट, सिमिलरली टोटल रन सीएसके के अगेंस्ट कितना बना है जिसमें सभी अपोजिशन मिलकर बनाए हैं कितना 1071। राइट, टोटल ओवर सीएसके के द्वारा कितना फेंका गया है या फिर इसको बोल सकते हैं सॉरी सीएसके के अगेंस्ट कितना ओवर फेंका गया है सीएसके द्वारा कितना ओवर फेंका गया। राइट, मतलब यहां पे लिखा टोटल ओवर प्लेड अगेंस्ट टीम मतलब जो सीएसके है उसके अगेंस्ट जो टीम खेली है उसको कितना ओवर फेंका गया है तो 716 बॉल फेंका गया उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से तो मेरे पास मिल जाएगा 119.333 बॉल मतलब ये सीएसके खेला है और ये सीएसके के द्वारा फेंका गया है इतना बॉल मतलब ये सीएसके के अगेंस्ट खेला गया। अब वो अगेंस्ट में आरआर के लिए एसआरएच के लिए एमआई के लिए एक्सेट्रा। राइट, तो दोनों डाटा हम यहां पे क्लियर कर लिए टोटल ओवर भी मिल गया मेरा यहां पे टोटल ओवर भी यहां पे मिल गया मेरा अपोजिशन का। अब इसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे ना तो नेट रन रेट इक्वल टू कितना होगा टोटल रन स्कोर बाय टीम तो हम किसका निकालें सीएसके का तो सीएसके के द्वारा टोटल रन स्कोर किया गया है 1090 तो 1090 को ऊपर लिखें डिवाइडेड बाय टोटल ओवर प्लेड बाय टीम तो टोटल ओवर कितना प्लेड किया गया है सीएसके के द्वारा 116.833 माइनस सीएसके के अगेंस्ट कितना रन बनाया गया है तो 1071 इन सारे टीम ने मिलकर इन सारे टीम के द्वारा बनाया गया है गुजरात लखनऊ एमआई आरसीबी एसआरएच और आरआर के द्वारा और कितना ओवर चेन्नई के अगेंस्ट खेला गया है तो 119.333 जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा 9.329 माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8.974। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं इज इक्वल टू जब इसको माइनस कर लेंगे तो मेरे पास आएगा 0.355 तो नेट रन रेट ऑफ सीएसके इक्वल टू कितना हो गया 0.355 जो कि आप यहां पे देख सकते हैं कि नेट रन रेट जो है कितना है मेरा 0.3555।
राइट। अब वो जो प्लस साइन है, प्लस साइन का तो मतलब होता है कि अगर कोई चीज माइनस नहीं है मतलब वो चीज प्लस में, इसमें से इसको माइनस करने पर सिंपली जो चीज आएगा वो प्लस नहीं होगा, तो 0.355। तो ये आप देख सकते हैं एक्यूरेट नेट रन रेट यहां से निकल के आता है। ठीक है, तो ये था हमारा, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेट रन रेट ऑफ अ पर्टिकुलर टीम। सो आपका जो भी फेवरेट टीम है उसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सी, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था नेट रन रेट को कैलकुलेट करने का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सिंपली इसको अगर हम समराइज वे में समझेंगे तो हम डायरेक्ट समझेंगे कि नेट रन रेट का मतलब होता है कि टोटल रन स्कोर बाई किसी भी टीम का निकालना चाहे वो कितना स्कोर किया है, डिवाइड बाई उसके द्वारा कितना ओवर खेला गया, माइनस उसके अगेंस्ट कितना स्कोर किया गया और उसके अगेंस्ट कितना ओवर खेला गया, उसको कैलकुलेट कीजिए, डिवाइड कीजिए। जैसे सीएसके के द्वारा टोटल रन इतना बनाया गया, टोटल ओवर इतना फेंका गया, उसके अगेंस्ट कितना रन बनाया गया और उसके उसके द्वारा कितना ओवर खेला गया, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 9.3 माइनस करेंगे 0.355, ये हमारा नेट रन रेट निकलता है, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।